सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको एक सिंपल वाटर कलर पेंटिंग बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जो वाटर कलर में बिगनर स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता है कि हम एक पेंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं वाटर कलर में। और बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या टेक्निक्स होती हैं, हम कौन सा कलर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्या हम ब्रशेज यूज करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा अपने वाटर कलर ट्यूटोरियल में। और सब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आफ्टर द वीडियो आप मेरे से आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी आपको हेल्प करेगी वाटर कलर में। और आप लोगों से एक चीज और ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और कुछ भी जो भी आपको समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और एक सिंपल सा डेमो दूंगा आप देखिएगा। और एक चीज और भी है कि आप वीडियो देखने के बाद प्लीज सभी लोग ट्राई कीजिएगा एंड मेरे को भेजिएगा। जो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है आप लिख सकते हो 9559480989। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं वाटर कलर में, स्केचिंग में। सो जैसा भी आपको लगे आप देख लीजिएगा एंड आप जो भी चीज़ मैं डेमो दूंगा आप उस चीज़ को ट्राई कीजिएगा एंड मेरे को भेजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वाटर कलर। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक वाटर कलर लैंडस्केप की वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी जैसे कि आप एक वॉश करूंगा, मतलब कि स्काई बनाने के लिए, जिसके लिए मैं हेक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग इस ब्रश के बारे में जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो अपडेट की हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और अभी हम पेपर एंड कलर्स की बात कर लेते हैं। अभी जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ चित्रपट पेपर है 270 GSM रफ में, और आपको मेरी कलर पैलेट दिख रही होगी, इसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं। तो ठीक है, अभी ऐसे एक मेमोरीज एक पेंटिंग स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक वाटर कलर लैंडस्केप की वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और एक चीज़ मैं आप लोग को और ही बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ठीक है, फिर अभी एक वॉश देते हैं एक प्लेन वाटर की। आप चाहे तो इसके अगर आपके पास ये ब्रश, जरूरी नहीं कि आपको इसी ब्रश का यूज़ करना है, आप चाहो तो फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो सिंथेटिक हेयर में, एक सिंपल सी। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको ब्रश को बार बार पेपर मर्ज नहीं करना, इससे पेपर के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ उस सरफेस वाटर अप्लाई हो चुका है तो आप उसको तुरंत हटा लीजिए, बार बार मर्ज नहीं करना है उस चीज़ को। अब डिपेंड करता है हमें कितनी बड़ी वॉश देनी है, उसके हिसाब से काम करना है। तो अभी ऐसे मैंने इस तरीके से एक प्लेन वाटर इस तरीके से लगा दिया, अप्लाई कर दिया है पूरा हाफ पेपर पे, आपको दिख भी रहा होगा, मे बी अभी शायद आप लोगों को ना भी दिखे क्योंकि क्लीन वाटर है, सो दैट्स वाई। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक हल्की सी अल्ट्रामरीन ब्लू अभी मैं यूज़ करूँगा, आप मेरी कलर पैलेट में देख सकते हैं अल्ट्रामरीन ब्लू शेड। और एक अच्छे आर्टिस्ट क्वालिटी वही होती है कि वो एक बड़े ब्रश से सारी चीज़ें बना दें, बाकी अगर नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से, और अगर लगता है ज़्यादा वाटर हो जाता है तो आप ड्राई ब्रश की हेल्प से, जैसे कि मेरे टिश्यू पेपर है, इस तरीके से आप कलर को हटा लीजिए। और बहुत हल्की वॉश देनी, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डार्क करना है, बहुत ही लाइट उसमें रखना है, बस एक बार में काम खत्म करना है, ज़्यादा नहीं। और अभी मैं छोटा ब्रश ले रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा वाटर आ रहा है ब्रश में, सो दैट्स व्हाई मैं अभी थोड़ा छोटा फ्लैट ब्रश ले रहा हूँ। और इसमें हल्का सा येलो आकर हम यूज़ करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखने में अच्छा तो लगता ही, लेकिन जितना आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा वो चीज़, और आप उससे कुछ सीखोगे। डेमो देने मतलब ये था कि जो लोग बिगनर हैं वाटर कलर, जिनको नहीं पता है कि कैसे हम काम करते हैं, क्या टेक्निक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा और अच्छे से मर्ज कर रहा हूँ। येलो ऑकर कलर है ये, अगर आपके पास येलो ऑकर शेड नहीं है तो आप चाहो तो इसकी जगह पर लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हो, बाकी जैसा अवेलेबल हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और अभी हल्का सा मैं शेड ले रहा हूँ ऑरेंज का, Why?
हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स कर रहा हूँ, और थोड़ा अगर आपको सन की रिफ्लेक्शन दिखाएं तो आप टिश्यू पेपर की हेल्प से हल्का सा वाइट स्पॉट देखो आप ऐसे छोड़ सकते हो। वो जब हम थोड़ा क्लाउड्स का फील दिखाएंगे तब जाके अपने आप फील आ जाएगा इसका। जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से काम करना है, बहुत ही पेशेंस से आपको वर्क करना है। जल्दबाजी में आप काम कंप्लीट तो कर दोगे लेकिन वो उतना अच्छा फील नहीं आएगा। थोड़ा सन को विजिबल करने के लिए थोड़ा सा इसके आसपास में थोड़ा डार्क शेड अप्लाई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा विजिबल हो ये चीज और अच्छे से। इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये एक बेसिक डेमो है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और अभी मैं क्लाउड्स के लिए एक कलर शेड बना रहा हूँ जिसके लिए मैं यूज करूंगा अल्ट्रा मरीन ब्लू विद स्कारलेट रेड। अगर आपको स्कारलेट रेड नहीं है तो यू कैन यूज वर्मिलियन इफ यू हैव। और एक चीज़ है, जब भी आप वेट ऑन वेट काम करते हो ना, तो अगर सरफेस पे ऑलरेडी वाटर है तो आपको ध्यान रखना है कि कलर के साथ आपको ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ओपेक कलर बनाना है, थोड़ा सा एटली हल्का सा वाटर हो उसमें, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया फील आता है जब एक बार आप काम करने लग जाओगे ना। देखो क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, अरे वाटर कलर पेंटिंग हम पहले बहुत डिफिकल्ट सोच लेते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, जब तक आप ये सोच लो कि अरे डिफिकल्ट है तो वो डिफिकल्ट ही रहेगा। अगर आप ये सोच लो कि कोई बात नहीं, इससे हम बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा ही कर लेंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो उस चीज़ की। अब आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि हर चीज़ ईजिली मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी क्लाउड्स आप देख सकते हो किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। बहुत देखो, ज़्यादा अगर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा कि थोड़ा डार्क पैचेस आएंगे। अगर आप थोड़ा हल्के हाथ से पैचेस अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लाइट स्ट्रोक्स में लाइक फील आएगा। बहुत देखो हल्के हल्के हाथ से कर रहा हूँ मैं काम, इस तरीके से आप देख सकते हो। इतने से फील आ रहा होगा। देखो क्लाउड कोई शेप नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि अरे हम क्लाउड बनाए बड़ी दिक्कत होती है, आप चाहो तो पहले ये मत सोचो कि अरे पहले क्लाउड बने, सोचो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ी इस तरीके से काम करो। अगर आपको अपने अंदर का डर दूर करना है तो थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल पेंटिंग, थोड़ा सा छोटे छोटे स्केचेस बनाओ, स्मॉल लेआउट टाइप के। देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है, जैसे ड्राई होगा उतना ही बहुत अच्छा फील आएगा इसमें। और शायद जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो शायद आप लोगों को मालूम भी ना हो कि मेरी वाटर कलर की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। सो अगर आपको ऐसे क्लासेस से रिलेटेड कोई अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो 9559480989। तो अगर आपको प्रॉपर एक कोर्स करना है वाटर कलर का तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी जैसे ही आपकी इच्छा, जैसा भी आपको सही लगे। और बाकी तो मैं अभी आप लोगों से यही बोलूँगा कि आफ्टर द वीडियो, मतलब कंप्लीट होने के बाद, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, या अगर आपको साथ साथ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कि वो चीज़ सही नहीं, तब तक आप काम करते रहो, मेरा कहने का मतलब ये। ओके, मतलब ये नहीं कि आपने बीच में वो चीज़ छोड़ दी फिर आप ड्राई होने। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, एक चीज़ ये भी होती है कि हम लोग काम करते हैं, उतना काम कर देते फिर लगता है बाद में कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लगता है ख़राब हो गया, ऐसा फील आता है। तो ये सबके साथ होता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ होता है, लेकिन वही थोड़ा बिगनर्स के लिए वही थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में कि अच्छा ये चीज़ कैसे करनी है, नहीं पता होता है। तो एटलीस्ट के लिए क्लास तो ज़रूरी होता ही है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए, अभी जो मैं कलर मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि अल्ट्रा मरीन ब्लू और स्कारलेट रेड कलर तो मिक्स है ही इसमें,
थोड़ा सा और कलर शेड बना लेता हूँ। अल्ट्रामरीन ब्लू एंड द सेकेंड शेड इज स्कारलेट रेड। जो ये कलर मैं बना रहा हूँ ये ट्री के लिए बना रहा हूँ। अभी ट्री कहाँ अप्लाई करूँगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। और हल्का सा विरिडियन ग्रीन ऐड कर रहा हूँ इसमें और काफ़ी अच्छा शेड निकल के आएगा। आप देख सकते हो ये एक बेसिक पेंटिंग बना रहा हूँ तो आपको बेसिक के हिसाब से ही आपको इसमें दिखेगा। आप ये सोचो कि इसमें एडवांस वाला फील है तो अभी एडवांस नहीं है ये, बट फिर भी कुछ लोग के लिए हो सकता है ये एडवांस भी हो, मे बी। सबका अपना अपना एक तरीका होता है सोचने का। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे डार्क अप्लाई कर रहा हूँ तो सन की ब्राइटनेस अपने आप एक बहुत अच्छा ब्राइट फील आ रहा है सन का। कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, वेट ऑन वेट काम कर रहा हूं। देखो एक चीज में ध्यान, जब भी अगर आपको एक्चुअल में वाटर कलर पेंटिंग सीखना है ना तो आप इस तरीके से लैंडस्केप ट्राई करो, क्योंकि हम पहले ही एकदम बहुत हैवी काम ले लेते हैं, हम कंप्लीट तो कर देते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते मेरे काम से कि यार ये मैंने क्या किया। तो पहले थोड़ा सा मिक्सिंग वाले थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा लैंडस्केप थोड़ा सिंपल टाइप के थोड़ा ट्राई करो, उससे क्या आपका आपके हाथ में फ्लो आएगा, यानी कि आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर सकते हो। जब आपको लगता है कि वो आपका लेवल क्लियर हो गया है तब जाके आप उस चीज़ को आगे बढ़ो। मतलब ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैं आपको समझा सकता हूँ। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा और इसको अच्छे से, हल्का सा ऑरेंज शेड अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि सन आसपास है, थोड़ा ट्री में कभी कभी क्या होता है सन की जो रिफ्लेक्शन होती है ट्री में पड़ के हल्की सी ऑरेंजेस दिखती है, तो दैट्स वाई मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रहा हूँ हल्का फुल्का आस ही पास। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब देख सकते हो आप उस तरीके से। तो इतने से देखो फील आ ही गया होगा आपको, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फोरग्राउंड वाला एरिया। अभी से मैं एक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो उसमें कैसे करते हैं ट्राई। बाकी तभी तो मैं आपको काम करके इसमें दिखाऊंगा ही। थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन करते करते आ जाती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ लाइट ग्रीन शेड। और अभी आप देख कितना बढ़िया इफेक्ट आएगा। जो ये लाइट ग्रीन शेड अगर आपके पास नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव है, आप चाहो तो सैप ग्रीन एंड गैम्बोज यू मिक्स करके आप ये कलर शेड बना सकते हो। मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर ऐसा शेड बन के आ जाए, थोड़ा सा लुक लाइक ऐसा ही कलर होगा, आप देख सकते हो। कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। देखो एक अच्छे आर्टिस्ट की क्वालिटी यही होती है कि वो मेमोरी से भी लैंडस्केप बना ले, या रेफरेंस है नहीं है ये मैटर नहीं करता है उसके लिए। जैसा एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से उसको ढल जाना है, मेमोरी से करना वैसे भी कर सकते हो, रेफरेंस से करना वैसे भी कर सकते हो, या ऐसे आप आउटडोर पे जा रहे हो वहाँ पे सामने लाइव काम करना वैसे भी कर सकते हो। तो यही तो अच्छी बात होती है एक आर्टिस्ट की। और अभी मैं मॉप ब्रश का यूज़ थोड़ा सा डार्क शेड बना रहा हूँ सैप ग्रीन मिक्स करके। ऑलरेडी अल्ट्रामरीन ब्लू एंड स्कारलेट मिक्स था, यहाँ पे मैं हल्का सैप ग्रीन मिक्स कर दिया इसमें, थोड़ा कलर शेड चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि आपको बार बार कलर शेड बनाना ही, आप आसपास के शेड को लेकर के आप काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और पेंटिंग में इफेक्ट देना एक बहुत अच्छी बात होती है। आप इस तरीके से ऐसा कोई मैंने एडवांस डेमो नहीं दिया है, बट फिर भी बेसिक टाइप का भी आप फील तो कर ही सकते हो इस चीज को।
और सही बता, जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ ये नहीं सोचता मुझे क्या करना है, मुझे लगता है जो बनता जा रहा है बस वो अच्छा है। आप एक स्ट्रोक भी, आपका एक स्ट्रोक भी एक आर्टिस्टिक फील देता है। और अभी एक मैं ब्रश यूज़ करने जा रहा हूँ, ये मेरे ही मतलब ब्रांड का ब्रश है, आप इसमें शशांक आप नेम देख सकते हो, और ये आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा, अभी अवेलेबल है। इस ब्रश का मैं लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को परचेस करना है तो आप वहाँ पे जा करके परचेस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा है। ये लाइनर ब्रश है, तो अभी मैं आपको खुद ही यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसा इफेक्ट दे रहा है इसमें। और बहुत ही फाइन लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ब्रश इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, अभी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है ये। अभी विरिडियन ग्रीन एंड अल्ट्रा मरीन ब्लू मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अभी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ब्रश है, और हल्का हल्का बस बहुत अच्छा फील आता है, देखो हल्का इस तरीके से। आप बहुत ही फाइन स्ट्रोक अगर आपको देने तो आप बिल्कुल दे सकते हो उससे, और हल्का सा मैं मॉफ कलर ऐड कर रहा हूँ इसी कलर शेड में, देखो इस तरीके से हल्का हल्का, बहुत ही हल्का हल्का, थोड़ा ग्रास वाला फील दिखाना है, और इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रेड कर थोड़ा सा। और देखो अगर पास के कलर थोड़े डार्क होंगे तभी हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं ना पेंटिंग में, अगर प्रॉपर ये सब कुछ लाइट होगा तो फिर डेप्थ नहीं आएगी, इसलिए मैं आसपास के जो फोरग्राउंड थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, फोरग्राउंड हल्का हल्का। हल्का थोड़ा सा मैं यहाँ स्प्रेड कर रहा हूँ। और एक अच्छी बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, देखिए सिंपल सी बात है, विंटर का वेदर मतलब आ ही रहा है ऑलमोस्ट, मतलब आ ही चुका है। एक बेस्ट पार्ट क्या होता है वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए कि विंटर्स में जो हमारा पेपर होता है वाटर कलर पेपर थोड़ा ड्राई होने थोड़ा टाइम लेता है, जिसकी वजह से हम वेट ऑन वेट काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो आप मतलब बेस्ट वेदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ विंटर्स में ही वाटर कलर पेंटिंग अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा काम कर ले तो आप किसी भी वेदर में आप अच्छा वर्क क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक मैं बात बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप ब्रश का यूज़ देख सकते हो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है इससे। यहाँ भी हल्के हल्के मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, मतलब आप एक ही ब्रश से बहुत फाइन स्ट्रोक्स दे सकते हो, और मतलब कि थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा थिक पैचेस देने हैं जिस तरीके से आप वो भी कर सकते हो, मतलब वो आपकी चॉइस, आप कैसे हैंडल करते हो ब्रश को वो आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेमो जो है आपके लिए थोड़ा बेसिक होगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इससे आपको। हल्का थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और डेप्थ फील आएगी, मतलब पूरे में नहीं करूँ कहीं हल्के हल्की जगह पे। और हल्का थोड़ा सा लीफ वाला पार्ट दिखाना आप इससे कर सकते हो, काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और थोड़ा सा मैं डिफरेंट शेड यूज कर लेता हूँ, थोड़ा रेड कलर, जिससे थोड़ा सा ऐसा लगे थोड़ा फ्लावर वाला फील आ रहा हो, मतलब फ्लावर वाला फील दिखाने के लिए हल्का सा इस काले रेड में यूज कर लेता हूँ। हल्का हल्का इस तरीके से, मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा सा, जैसे कभी ग्राउंड में कहीं कहीं हल्के स्मॉल स्मॉल थोड़े से फ्लावर होते हैं रेड कलर के या डिफरेंट शेड, जैसे भी अगर आपको दिखाना है आप वो कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से इतना इनफ है, मतलब एक समझ में तो आई गया वो कैसे करते हैं काम, क्या तरीका है, टेक्निक क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में तो आ गई होगी। मतलब ये बेसिक मेथड होता है, बहुत ही बेसिक पेंटिंग बना के दिखाई मैंने आपको, फिर भी मतलब ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी आपको मतलब हेल्प करेगी, और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पेंटिंग से आप ये लगा लो कि आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, या अगर कहीं आपके काम में मिस्टेक्स हैं तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें आपको वॉश का मैंने पार्ट बताया, थोड़ा क्लाउड कैसे बनाते हैं वो भी चीज़ मैंने करके दिखाई है, एक फोर जैसे आपका बैकग्राउंड एंड मिडिल ग्राउंड एंड फोरग्राउंड, फोरग्राउंड कैसे हम डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने करके दिखाया है।
तो अभी डिफरेंट टाइप के ब्रशेज भी मैंने यूज़ करके आपको दिखाए हैं, जैसे कि आपका लाइन ब्रश हो गया, हेक ब्रश हो गया, मॉप ब्रश एंड फ्लैट ब्रश, तो ट्राई करके देख सकते हो जो भी आपका अवेलेबल हो। ओके, और रही बात इस ब्रश की, अगर किसी को परचेज करना है इसका, मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ड्राई नहीं है, चाहते तो मैं यहाँ पे एक फिगर भी ऐड कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, देखते हैं, एक अच्छा सा थोड़ा सा एक अच्छा फील आएगा। और थोड़ी हम वर्ड भी ऐड कर देते हैं जिससे थोड़ा सा एक रियल अलग फील आ जाए, ऐसा लगे, ऐसा ना फील हो कि खाली खाली लग रहा हो। ठीक है, तो बर्ड्स को ऐड करने के लिए मैं हल्का सा अल्ट्रा मरीन ब्लू और रॉ अम्बर ले रहा हूँ। मतलब डार्क शेड बनाना चाहो तो आप ऑरेंज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत ही हल्के हाथ से, जैसे कि सन के पास थोड़ी सी, देखो इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा एक एक जान आ जाएगी पेंटिंग, मेरा कहने का मतलब ये है। देखो इस तरीके से जो पास की बर्ड थोड़ी सी बड़ी होंगी, जैसे कि जितने डिस्टेंस आपको दिखाना है उतने स्मॉल बर्ड होंगी उसमें, मतलब मेरे हिसाब से ये आपके लिए वर्थ होगी इतनी पेंटिंग की, इतना इतना ही भी आप पहले स्टार्ट करो वही बहुत होगा। और जो मेरा वाटर कलर कोर्स है उसमें आपको बहुत ही हर चीज़ बेसिक से सीखने को मिलेगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट अभी इस डेमो से आपको लग रहा होगा कि हाँ आपको क्या क्या सीखना है, या आपको अभी क्या क्या जरूरी है सीखने के लिए, कितना इंप्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। देखो हल्का हल्का कहीं कहीं पे कुछ बड़े वर्ड्स, कुछ स्मॉल, जितना डिस्टेंस में होगा उतना स्मॉल होगी, जितना पास के उतने बिग साइज में होगी। ठीक है, अब जैसे चाहो तो मैं ह्यूमन फिगर दिखा सकता हूँ कुछ डिफरेंट शेड में, जैसे मैं हल्का थोड़ा रेड कलर लेता हूँ, कुछ रेड मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा, मतलब कि सही तरीके से फोकस क्रिएट करने के लिए, से रेड अगर आप ये जगह यूज़ करते हो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, मैं यहाँ पे रेड कलर का फिगर दिखा रहा हूँ। कभी भी कोई चीज़ सेंटर में नहीं बनानी है, एक चीज़ ध्यान, एक कॉम्पोजिशन के मेथड के हिसाब से आपको कोई भी चीज़ सेंटर में ड्रॉ नहीं करनी है। अगर मैं चाहता हूँ सन को यहाँ भी कर सकता था लेकिन नहीं किया ना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब सेंटर थोड़ा साइड में। अब इसे फिगर भी दिखाऊंगा सेंटर में नहीं, हल्का थोड़ा लेफ्ट साइड में दिखा सकता हूँ इस तरीके से। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो बाद में, और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है आर्ट में, उम्मीद करता हूँ उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो बहुत ही स्मॉल सा एक फिगर बना रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, फिगर बनाने से अभी आपको देखना कितना अच्छा लगेगा देखने में वो चीज़। अभी आप देख सकते हो सिंपल सा ह्यूमन फिगर। आप ट्राई करना देखना कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या है तरीका, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, डरो बिल्कुल मत कि अरे पेंटिंग कैसे बनेगी, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। देखो इस तरीके सिंपल सा, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कैसे स्टार्ट करना है किस तरीके से। तो मैं तो बोलता हूँ ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही बेसिक डेमो था ये। ओके, तो ट्राई कीजिएगा, मेरे को भेजिएगा, और आप चाहो तो जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं सैंकी आर्ट करके, SHNKYART। अभी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा वो चीज़, तो आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा रेगुलर अपडेट होता है क्लासेस से रिलेटेड, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जो मैं रेगुलर काम करता हूँ वो भी अपडेट करता हूँ, तो आपको वहाँ पे जानने का मौका मिलेगा एंड आपको थोड़ा इंस्पायर होने का मौका मिलेगा, एंड उससे आप देख भी सकते हो, और अगर आपको सीखना भी आप सीख भी सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए जैसा भी आपको समझ में आया। जो भी चीज़ नहीं भी आती है कोई चीज़ बिल्कुल आप पूछ सकते हो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में जाकर के मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोग को। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ट्राई जरूर करना एंड मेरे को भेजिएगा, और जो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, या जो अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, थैंक यू।